हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको अपर कट कैसे पंच करते हैं। ये तीन पंच होते हैं हमारे जनरल जो पंच रहते हैं, स्ट्रेट पंच, हुक और अपर कट। आज हम अपर कट करने जा रहे हैं। इस वीडियो पूरा एंड तक देखना, लंगवानी के एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं द मार्शल योग एकेडमी। तो अपर कट में सबसे ज्यादा जरूरी आपका मेन, जैसे अगर आपने बेसिक स्टांस की वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो भी जाके देख लो, उसमें आपके इसके पहले आनी चाहिए, तभी आप अपर कट को अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको, क्योंकि आपको स्टांस लेना होगा पहले। सबसे अच्छा आपका, जितना अच्छा स्टांस रहेगा उतना अच्छा आपका पंच रहेगा हमेशा। तो हमेशा आपका गुड स्टांस रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्टेबल। उसके बाद गार्ड अप, उससे जो भी मूवमेंट है हमारा बॉडी टर्न का है ना, वही हमारी इसकी पावर जनरेट करता है। उसके बाद एक बार आपको बता दें टारगेट कहाँ होता है आपका अपर कट का। अपर कट का आपका जो साइड के रिब्स वाले पंच होते हैं अपर कट के, वो साइड से आते हैं, ठीक। और एक होता है फिर आपका चिन पे, जिसे बॉक्सिंग में ज्यादातर चिन अप पंच भी कह देते हैं, और साइड अपरकट ये होते हैं साइड से, जिसमें साइड से अपरकट आपके रिब्स पर लगते हैं। तो दो ही टारगेट होते हैं इसके मेनली, एक तो आपकी चिन और आपकी रिब्स, इन्हीं दो टारगेट पर आपको इसको हिट करना होता है। और तो सबसे पहले अपना अच्छा सा गुड स्टांस लेना आपको। एक और सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब पंच यहां से ये जाता है आपको क्या करना, बॉडी टर्न हो गई है, बॉडी टर्न के साथ आपका पंच आगे हो जाएगा, चाहे आपका राइट हो चाहे आपका लेफ्ट हो, लेफ्ट कभी आ जाएगा। जब बॉडी टर्न होनी शुरू होगी पंच आपका आगे, हाथ आगे जाएगा शोल्डर से, ये मूव नहीं करेगा आपके एल्बो की तरफ, सिर्फ शोल्डर से आपको आगे लेके जाना पहले, बॉडी टर्न के साथ एल्बो से शोल्डर से आगे जाएगा पंच आपका। उसके बाद यहां से जाते जाते जब ये जा रहा है पंच, वहीं पर यह टर्न हो जाएगा, ये सेम ऐसे जब आगे जा रहा है पंच टर्न हो जाएगा, सेम लेफ्ट भी जाके आगे टर्न। उसके बाद बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जनरली रहती है गलती सभी की रहती है, मोस्टली जो भी अपरकट पहली बार करने की सोचता है, उसमें क्या होता है यहां से जाता है उसका पंच आगे और फिर वो घूम के यहीं पे आता है फेस पे, जो भी सबसे बड़ी गलती होती है, जल्दी के चक्कर में वो वापस आ जाता है क्योंकि टारगेट मिस होता है, तो उनको लगता है कि वो पंच ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में वापस आ रहा है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। वरना बहुत से लोग अपनी नाक पे मार लेते हैं, जिस वजह से वो नॉकआउट हो जाते हैं। इसलिए इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी आप अपर कट करोगे तो ऊपर ऐसे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर को जाएगा है। और आपको रोकना कहां पे, जो एक पंच की लिमिट है कि वहां तक ले जाना, उसके आगे आपको पास नहीं करना। अपर कट की भी आपकी मैक्सिमम फोर हेड है, फोर हेड से ऊपर आपको नहीं ले जाना, वैसे तो चिन नोज तक ही रोक देते हैं अपर कट सामने वाले आपके टारगेट के हिसाब से। अपना भी अगर आपको इन जनरल प्रैक्टिस कर रहे हो शैडो में, तो ध्यान रखना अपने टारगेट का यूज करना कि नोज से ऊपर ना जाए या मैक्सिमम फोरहेड, अगर इतना ऊपर जा रहा है आपका तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने फेस पे उसको मारोगे। तो सबसे ज्यादा क्या करना है, जब पहले तो बॉडी टर्न के साथ पंच आगे गया शोल्डर से, वहां पर रोटेट किया आपने और ये हिट करेगा फिर टारगेट को। अब इसमें आपको ध्यान तक रखना है सिर्फ अपनी नोज या फिर मैक्सिमम फोरहेड, फोरहेड भी बहुत कम जाएगा, अगर ज्यादा पावर से जा रहा तो आपका जा सकता है, वरना नोज तक ही रुक जाना चाहिए आपका पंच। उसमें आपको ध्यान रखना है नोज से ऊपर आपका पंच नहीं जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले बॉडी टर्न होते हुए पंच आगे गया और रोटेट होके टारगेट पे हिट, सेम आपका लेफ्ट पंच भी बॉडी टर्न के साथ आगे गया शोल्डर पंच और टारगेट पे हिट। और जब आप इसको बैक पे ट्राई कर रहे हो ना पंच को, तो कभी भी ऊपर को नहीं जाएगा, हल्का से आगे हो जाएगा, ऐसे डायगोनल पंच जाएगा आगे, हमेशा ऐसे ऊपर नहीं जाएगा जब भी आप प्रैक्टिस करोगे पंचिंग बैक पे। तो यहां से गया, जहां से गया वहीं से वापस ही करो, जरूरी है कोई भी पंच आपको, चाहे स्ट्रेट, हुक या फिर अपर कट, तीनों पंच आपके लगने के बाद जहां से गए उसी रास्ते से एकदम वापस आने चाहिए अपने, चाहे स्ट्रेट पंच आपने हिट किया वो भी वापस आना चाहिए, हुक हिट किया वो भी वापस आपके गार्ड पे आना चाहिए हमेशा। तो अपर कट हिट बैक टू गार्ड, हिट बैक टू गार्ड, ठीक है। अभी पंचिंग बैक पे आपको देखिए डायगनली जाएगा, ये डायगनली ऊपर को नहीं जाएगा, अगर ऊपर को जाता है जाने की कोशिश करता है इसमें हिट करके आपके भी लग सकता है, जैसे पंचिंग बैग में हिट करके वापस आ सकता है, सेम ओपोनेंट के अगर बच गया और स्लिप हो गया तो आपके आगे भी लग सकता है। तो इसलिए कभी भी पंच को ज्यादा मैक्सिमम ऊपर ले जाने की ना कोशिश करें, सिर्फ नोज तक लेके जाना, ठीक। अब आपको मैं पैड पर लेके दिखाता हूं, इसको हिट करोगे तो हिट किया फिर वापस, ठीक, ये वापस, ठीक, वापस, वापस,
ठीक सेम लेफ्ट चल लेफ्ट में चलिए। तो टारगेट आपका टारगेट पे हिट किया फिर वापस बॉडी टर्न के साथ फिर टारगेट फिर वापस आज के लिए हमारी वीडियो भी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके जाना अपने दोस्तों के साथ।